नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग में आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ग्रीन हाउस बनाने का बहुत आसान और सस्ता तरीका। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, यह खड्डा खोदा जा रहा है जिसमें कि बम्बू लगेगा। दोस्तों इतनी तपती हुई गर्मी में पौधा ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। इसी मौसम को देखते हुए दोस्तों मैं ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग पे या ग्रीन हाउस बनाने वाला वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि किसान भाई लोग इस वीडियो को देखकर अपने घर पर ही ग्रीन हाउस बना सकें और सरल और सस्ते तरीके से। जैसा कि दोस्तों देख रहे होंगे, बम्बू का चुनाव जब भी करें मजबूत और अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम यह ग्रीन कपड़े से ही ग्रीन हाउस बनाएंगे। यह ग्रीन कपड़ा हमारा एक बार का यूज किया हुआ है। ग्रीन हाउस बनाने में हमें रस्सी की भी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यह हमारी रस्सी है जिसे हम बम्बू को आपस में जोड़ने में यूज करेंगे। रस्सी का प्रयोग आप घर में पुरानी रस्सी से भी कर सकते हैं। फिर हम दोस्तों बम्बू की नपाई कर इसकी कटाई चालू करते हैं। पौधे तैयार करने के लिए दोस्तों ग्रीन हाउस का यूज होता है। ज़्यादा गर्मी पड़ने पर ग्रीन हाउस का यूज होता है, जिससे कि पौधा सूखे ना, और ज़्यादा ठंड में पाला पड़ने पर पौधे बचाने के लिए ग्रीन हाउस का यूज होता है। इसका यूज दोनों मौसम में किया जाता है और बरसात में भी इसका यूज है। जैसे कि सीधा डायरेक्ट बारिश हो तो बारिश का पानी पौधे में जाए ना और गल के ख़राब ना हो। यह तीनों मौसम में काम में आता है ग्रीन हाउस। बाम्बू कट के लगने के लिए तैयार है। अब इसे हम लगाकर आपको दिखाएंगे। देखिए अब बाम्बू लगना चालू हो चुका है। हम इसे खड्डे में रखकर मिट्टी डालना चालू करते हैं। मिट्टी डालते समय दोस्तों विशेष ध्यान रखें, इसमें खूब अच्छी तरीके से हमें मिट्टी कूटकर भरना है। जैसा कि देख रहे होंगे आप, इसकी खूब अच्छे तरीके से कुटाई कर मिट्टी भरी जाएगी, जिससे कि आंधी तूफान आने पर हमारा ग्रीन हाउस उड़े ना, फटे ना और सुरक्षित रहे। इसी प्रकार दोस्तों हम हर बाम्बू में मिट्टी डालकर खूब अच्छी तरीके से कुटाई करेंगे मिट्टी की ग्रीन हाउस के मजबूती के लिए। अगर दोस्तों आप पौधे लाते हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप ग्रीन हाउस बनाने का पूरा तरीका सीख सकें और बाज़ार से अच्छी क्वालिटी का सीड लाकर और अपने ग्रीन हाउस में ही पौधे तैयार करें। आप हर मौसम की सब्जियां अपने ग्रीन हाउस में तैयार कर अपनी वेजिटेबल में और गार्डन के लिए फ्लावर खूब अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे, सभी बाम्बू हमारे गड़ चुके हैं और इस पे ग्रीन कपड़ा पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन दोस्तों ग्रीन कपड़ा डालने से पहले हम इसमें रस्सी बांधेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यह हमारा बाम्बू बनकर बिल्कुल तैयार है। अब दोस्तों हम इसमें रस्सी बांधेंगे, नीचे जाल बनाएंगे रस्सी का खूब अच्छी तरीके से, जिससे कि ग्रीन कपड़े की मजबूती आ जाए और फटे ना और ख़राब ना हो। जैसा कि देख रहे होंगे, या प्लास्टिक की रस्सी हम इसमें बांधना चालू करते हैं। इसकी दोस्तों दूरी लगभग हमें 1 से 1.5 फुट रखनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमें जाल लगने के बाद ऊपर से भी रस्सी बांधना पड़ेगा, जिससे कि हवा चलने पर ग्रीन हाउस फटे ना, उड़े ना और काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे यूज में आए। फिर दोस्तों हम इसमें ग्रीन कपड़ा डालना चालू करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे होंगे, यह हमारा ग्रीन कपड़ा ऊपर से डल चुका है। डालने के बाद दोस्तों हम इसे कील से बांस की खपंची को दोस्तों लगाएंगे। अगर दोस्तों मेरे चैनल ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग पे आप नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सब्जियों के बारे में और फ्लावर के बारे में नई नई जानकारी मिल सके। हमारे चैनल पर टेरिस पे वेजिटेबल उगाने का तरीका भी बताया जाता है। अगर दोस्तों आपको लंबे टाइम तक ग्रीन हाउस का यूज करना है तो इसे मजबूती से ही बनाना पड़ेगा, जिससे कि इसका यूज लंबे टाइम तक आप कर सकें। अगर दोस्तों आप सब्जी की खेती करते हैं या तो आपको गार्डनिंग का शौक है तो आपको ग्रीन हाउस बनाना ही पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, यह ग्रीन हाउस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें पौधे आप रख सकते हैं और नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। रस्सी का जाल दोस्तों ऊपर से भी लगाया गया है और नीचे से भी 1 से 1.5 फुट के अंतराल में लगाया गया है।
रस्सी का जाल ऊपर नीचे लगाने का दोस्तों यह फ़ायदा है जिससे कि हमारा नेट फटेगा नहीं और उड़ने का खतरा ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि आप अंदर भी ऐसे देख रहे होंगे। या कोचिया का पौधा दोस्तों हमारा बाहर रखा हुआ था, बाहर रखने से दोस्तों पौधे सूख रहे थे, फिर मैंने उठवाकर इसे छाया में रखवा दिया। छाया में रखने से दोस्तों पौधे एकदम ख़त्म हो गए, इसके बीच बीच में आप देख रहे होंगे पौधे कई ख़त्म हैं। फिर मैंने सोचा ग्रीन हाउस बनाया जिससे कि हल्की धूप और हल्की छाया पौधों की मिलती रहेगी और यह खूब अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और भी दोस्तों इसमें सब्जी के पौधे और फ्लावर के सीजनल पौधे तैयार किए जाएंगे। अगर आप दोस्तों पौधे नर्सरी से लेने जाएंगे तो फ्लावर के पौधे आपको 15 से 20 रुपए में मिलते हैं, और आप अगर सब्जी के पौधे ले जाएंगे तो 7 से 10 रुपए तक आपको सब्जी के पौधे मिलते हैं। लेकिन आप दोस्तों सीड लाकर पौधे खूब अच्छी तरीके से ग्रो घर पर ही कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।